Hello everyone, welcome to Global Online University. So today is our 13th lecture on current affairs series, जिसमें हम ICT and environment ये topic पे important question जो है वो detail में discuss करने वाले हैं. ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है हर रोज 2 बजे अपना current affairs series होता है. हर रोज हम 10 important questions detail में discuss करते हैं. ठीक है, अगर आपने previous sessions नहीं देखे हैं तो description box में मैंने link दे दी है, आप जाके देख सकते हो. ओके, before starting the session, very important announcement for you. Global Online University is providing mock test series for your upcoming examination, जिसमें कि आपको 60 mock test provide किए जाएंगे, जिसमें previous year question test भी है 2011 से लेके 2020 तक. और ये जो test है आपको detail solution के साथ मिलने वाले हैं. मतलब जब आप ये test solve करोगे और submit करोगे, उसके बाद आपको इसका detail solution मिलने वाला है. ठीक है, ये मॉक टेस्ट के साथ आपको फुल सिलेबस नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि शॉर्ट नोट्स है और बहुत ही रिलेवेंट नोट्स है, जिसे आप बहुत ही कम टाइम में पढ़ के अपना रिवीजन जो है वो पूरा कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा. अगर आपको ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन मिल जाएगा. प्ले स्टोर पे आप सर्च बॉक्स में ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सर्च करिए, आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा. इंस्टॉल करिए, उसके बाद आपको इस तरह से एप्लीकेशन मिल जाएगा. ठीक है, राइट साइड में आप देख सकते हो. उसके बाद आपको सिलेक्ट करनी है कैटेगरी, दैट इज यूजीसी नेट पेपर 1 अक्टूबर, और उसके बाद आप 2 फ्री टेस्ट, उसके साथ 2 वीडियोज फ्री और 2 फ्री नोट्स जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो जल्दी से जाइए और ये कोर्स जो है वो ज्वाइन करिए. विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द सीखो और कमाओ स्कीम? ये एक नई स्कीम है, सीखो और कमाओ. ये जो स्कीम है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, और या फिर ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. तो ये जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है, जिसका नाम है सीखो और कमाओ स्कीम. ओके, सो दिस स्कीम सीखो और कमाओ इज अ स्किल डेवलपमेंट स्कीम फॉर यूथ ऑफ 14 to 35 years एज ग्रुप. इसका एम जो है वो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, और उसी के साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, और जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स है उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करना है, ये इसका एम है. In the last 7 years, around 3.92 lakh persons have been benefited under this employment-oriented scheme. है ना, ये जो स्कीम है सीखो और कमाओ, इसके अंडर लास्ट 7 years में 3.92 lakh person जो है वो benefited रहे हैं. और ये जो स्कीम है 2013 में लॉन्च की गई थी by Ministry of Minority Affairs. Next question. Which Indian city has been declared as the first water plus city in India? है ना, इंडिया में जो सिटी है, एक सिटी है जिसे water plus नाम से डिक्लेयर किया गया था, वो कौन सी सिटी है? कोलकाता सिटी, बैंगलोर सिटी, इंदौर सिटी, या फिर हैदराबाद? सो इंदौर इज द राइट आंसर. सो इंदौर सिटी जो है उसे इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है, और जिसे water plus के नाम से डिक्लेयर किया गया है बाय स्वच्छ सर्वेक्षण 2021. मतलब इसके अंडर इसे डिक्लेयर किया गया है वाटर प्लस सिटी. ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण जो है वो एनुअल सर्वे होता है हर एक सिटी का, जिसमें कि हाइजीन, क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन जो है हर एक सिटी का, टाउन का, अक्रॉस इंडिया उसे सर्वे किया जाता है, और उस सर्वे के ऊपर डिपेंड रहता है कौन सी सिटी सबसे ज्यादा क्लीन है ना, या फिर वाटर प्लस सिटी है ना. ये सारे अवार्ड्स जो है वो डिक्लेयर किए जाते हैं इस सर्वे के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री एशियाज फर्स्ट मेडिकल वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम टेक्नोलॉजी हैज कमेंस्ड ऑपरेशन? एशिया की ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने सबसे पहले मेडिकल वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट जो है यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम टेक्नोलॉजी वो ऑपरेशन कमेंस किया है? जापान, साउथ कोरिया, चाइना, या फिर इंडिया? तो वो कंट्री जो है वो है चाइना. ठीक है, चाइना ऐसी कंट्री है जिसने सबसे पहले मेडिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है उसका यूज किया है बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम टेक्नोलॉजी, है ना. तो जैसे कि मैंने कहा, चाइना कंट्री जो है उसने सबसे पहले ये ऑपरेशन स्टार्ट किया है.
ठीक है। ये एक फर्स्ट पायलट स्केल डेमोन्स्ट्रेशन है जिसमें कि 400 क्यूबिक मीटर पर डे यूज किया जाएगा ऑफ ईबी फॉर मेडिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ओके, ये जो फैसिलिटी है लोकेटेड है ह्यूबेई प्रोविंस में, जिसमें कि डिसइनफेक्ट किया जाता है मेडिकल वेस्ट वाटर एंड डीकम्पोज किया जाता है एंटीबायोटिक विदाउट द नीड ऑफ एडिशनल डिसइनफेक्टेंट और प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी पोल्यूशन। ये जो ईबी है इलेक्ट्रॉन बीम है ना, इसका एप्लीकेशन चाइना में करने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सबसे बड़ा रोल रहा है। सबसे बड़ा रोल जो है इसने प्ले किया है, किसने? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज अनाउंस्ड स्मार्ट हेल्थ कार्ड अंडर इट्स स्वास्थ्य कल्याण योजना। ठीक है, ये एक योजना जो है स्वास्थ्य कल्याण योजना, इसके अंडर स्मार्ट हेल्थ कार्ड जो है लॉन्च किया है या फिर अनाउंस किया है, वो किस स्टेट ने किया है? केरला, वेस्ट बंगाल, ओडिशा या फिर कर्नाटका? तो ये जो योजना है स्वास्थ्य कल्याण योजना, ये ओडिशा स्टेट की योजना है। दैट्स वाई द आंसर इज ओडिशा, जिसके अंडर स्मार्ट हेल्थ कार्ड जो है वो अनाउंस किया है। सो हाल ही में ओडिशा के चीफ मिनिस्टर जी ने कहा था कि ये स्मार्ट हेल्थ कार्ड जो है 3.5 करोड़ पीपल को दिया जाएगा अंडर द बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना BSKY। ओडिशा स्टेट जो है ये सबसे पहली स्टेट है इंडिया में जो कि ये स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रोवाइड कर रही है, और BSKY मतलब बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना को रीडिजाइन किया गया था ये स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करने के लिए, जो कि एज ए डेबिट कार्ड काम करेगा। मतलब जैसे कि हम डेबिट कार्ड यूज करते हैं उसी तरह से ये कार्ड यूज किया जाएगा, लेकिन इसे हेल्थ सेक्टर में यूज किया जाएगा, जहां की ईच फैमिली इसका बेनिफिट ले सकते हैं अप टू 5 लाख रुपीज, एंड विमेन होगी तो उसे 10 लाख रुपीज तक इसका बेनिफिट मिल जाएगा। और बेनिफिशियरी जो है वो मोर देन 200 हॉस्पिटल चेन्स जो है इंडिया में, वहां पे इसका यूज कर सकते हैं स्मार्ट हेल्थ कार्ड एज अ डेबिट कार्ड जैसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च हैज बिन लेड, है ना? मतलब इसे कौन सी स्टेट है या फिर यूटी है जहां पे फाउंडेशन स्टोन कहा जाता है ऑफ इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, है ना? वेस्ट बंगाल, गुजरात, केरला या फिर कर्नाटका? सो कर्नाटका में इसे कर्नाटका स्टेट में ये जो इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो है इसका फाउंडेशन स्टोन कहा जाता है। इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है श्री एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने ये इनवील किया है फाउंडेशन स्टोन जिसका नाम है JNCASR, जो कि बेंगलुरु में से लॉन्च किया है। ठीक है, ये जो फाउंडेशन स्टोन है ये डेवलप करेगा, फैसिलिटेट करेगा लैबोरेटरी इन्वेंशंस, उसी के साथ जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स है उसको स्केल अप करेगा, है ना? और जो स्टार्टअप इन्वेंटर्स है जो कि विद इन सेंटर्स है या फिर अदर इंस्टीट्यूशंस है बेंगलुरु में, अक्रॉस कंट्रीज भी होंगे, तो उन्हें ये न्यू फैसिलिटी जो है वो होस्ट करेंगे, है ना? साइंटिस्ट विल बी प्रोवाइडेड द स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसेसिंग एंड प्रोटोटाइपिंग टूल्स टू अनेबल ट्रांसलेशन ऑफ इन्वेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मैन्युफैक्चर फॉसिल फ्री स्टील? फॉसिल फ्री स्टील बनाने में कौन सी सबसे पहली कंट्री ने इनिशिएटिव लिया है? जर्मनी, इंडिया, जापान या फिर स्वीडन? तो वो है स्वीडन। स्वीडन कंट्री ने सबसे पहले फॉसिल फ्री स्टील जो है उसका मैन्युफैक्चर स्टार्ट किया है वर्ल्ड। स्वीडन हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड मैन्युफैक्चर फॉसिल फ्री स्टील विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन स्टील। ओके, ये फॉसिल फ्री स्टील जो है उसे ग्रीन स्टील नाम से जाना जाता है। ग्रीन स्टील हैज बिन डेवलप्ड बाय हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एंड द फर्स्ट डिलीवरी वॉज डन टू वोल्वो AB, ठीक है, एज अ ट्रायल रन। दिस इनिशिएटिव वॉज इन प्रोसेस सिंस 2016, फुल स्केल प्रोडक्शन विल बिगिन फ्रॉम 2026। इसे स्टार्ट किया था 2016 में और इसका फुल स्केल प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होगा 2026 में। ओके, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिप्लेसिंग कॉकिंग कोल विथ हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस एमिशन फ्रॉम स्टील मेकिंग बाय एटलीस्ट 90%। ओके, स्टील मेकिंग में जो भी एमिशन होता है उसे 90% ये कम करने वाला है। कौन? ग्रीन स्टील प्रोसेस। ओके, तो
तो इसका नाम याद रखना, ग्रीन स्टील प्रोसेस। उसके बाद किसने स्टार्ट किया है, स्वीडन ने किया है। उसका सबसे पहले डिलीवरी वोल्वो एबी को हुआ था एज ए ट्रायल रन। इसका फुल स्केल प्रोडक्शन जो है वो 2026 में स्टार्ट होने जा रहा है ना, और लॉन्च हुआ था 2016 में। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड ऊर्जा एंड एआई एनेबल्ड वर्चुअल असिस्टेंट्स, है ना? कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ऊर्जा ये जो लॉन्च किया है, जो कि एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड वर्चुअल असिस्टेंट्स है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड? सो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इज द करेक्ट आंसर। सो ऊर्जा ये जो लॉन्च किया है वो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया है। ये एक वर्चुअल असिस्टेंट है विथ एआई एनपीएल कैपेबिलिटीज एंड ट्रेन्ड ऑन मोर देन 600 यूज केसेस। ओके, इसे इस तरह से ट्रेन किया है, इस तरह से बनाया गया है कि ये मोर देन 600 केसेस भी सॉल्व कर सकता है ना? ये जो एफर्ट है टू मेक बीपीसीएल्स कस्टमर इंटरफेस कंप्लीट एंड डिजिटली इंटीग्रेटेड, ऊर्जा द कैबोट इज नाउ अवेलेबल ऑन द कंपनीज वेबसाइट फॉर एनी क्वेश्चन। ऊर्जा जो है ये 13 लैंग्वेजेस बोल सकता है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, इस तरह से बहुत सारे लैंग्वेजेस है, 13 लैंग्वेजेस है टोटल, है ना? मतलब जो भी क्वायरीज रहते हैं कस्टमर्स के, है ना, उसे वर्चुअली असिस्ट करेगा ये ऊर्जा, है ना, जो कि बीपीसीएल के वेबसाइट पे अभी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण माह इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ इन इंडिया? पोषण माह करके एक डे है, उसे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, वो किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर? तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर में। तो देखते हैं ये पोषण माह होता क्या है। द मंथ ऑफ सितंबर इज ऑब्जर्व एज पोषण माह इन एग्जाम्पल न्यूट्रिशन मंथ इन इंडिया एवरीवेयर। ठीक है, पोषण माह मतलब क्या है? न्यूट्रिशन मंथ। ठीक है, पोषण मतलब न्यूट्रिशन और माह मतलब मंथ। दिस ईयर इट इज सेट टू बी सेलिब्रेटेड विथ फोर थीम्स अक्रॉस 4 वीक्स ऑफ द मंथ। हर एक वीक में अलग अलग थीम रखा है इस साल में, है ना? पोषण अभियान इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स ऑफ चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। मिशन पोषण 2.0 हैज बीन अनाउंस्ड इन द बजट 2021-22 एज एन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टॉप स्टेट ऑफ इंडिया इन प्रोडक्शन ऑफ कोल? इंडिया की कौन सी स्टेट है जहां पे कोल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, या फिर तेलंगाना? तो छत्तीसगढ़ स्टेट में सबसे ज्यादा कोल का प्रोडक्शन होता है इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2020-21 कोल मिनिस्ट्री, इंडिया का जो टोटल कोल प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हो गया है 2.02% टू 16.084 मिलियन टन ड्यूरिंग 2021। ओके, टोटल प्रोडक्शन में 671.297 मेट्रिक वॉज नॉन कोकिंग कोल एंड 44.787 मेट्रिक वॉज कोकिंग कोल। छत्तीसगढ़ जो है वो सबसे ज्यादा कोल प्रोडक्शन करता है, अप्रोक्स 158.409 मेट्रिक, फॉलोड बाय ओडिशा एंड मध्य प्रदेश। मतलब छत्तीसगढ़ के बाद कौन आता है? ओडिशा और मध्य प्रदेश। झारखंड वॉज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कोकिंग कोल। कोकिंग कोल सबसे ज्यादा कौन बनाता है? तो झारखंड स्टेट। ओके, एक्सपर्ट्स फ्रॉम विच स्टेट हैव आइडेंटिफाइड नेटिव ग्रासेस एंड ट्रीज टू इंप्रूव एलिफेंट हैबिटेट्स, है ना? किस स्टेट के एक्सपर्ट्स ने नेटिव ग्रासेस एंड ट्रीज आइडेंटिफाई किया है जो कि एलिफेंट के हैबिटेट्स को इंप्रूव कर सकता है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, या फिर तेलंगाना? सो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंड फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के कुछ एक्सपर्ट्स ने एक प्रोजेक्ट अंडरटेक किया है जो कि आइडेंटिफाई करेगा नेटिव ग्रासेस एंड ट्रीज जो कि एलिफेंट्स के लिए सुटेबल रहेगा, उनके हैबिटेट्स के लिए सुटेबल रहेगा, है ना? अर्लियर दिस ईयर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने सेटअप किया था 8 मेंबर टीम जो कि रिसेंटली सबमिट किया है रिपोर्ट आफ्टर आइडेंटिफाइंग 29 नेटिव ग्रासेस स्पेसीज एंड 40 फॉडर ट्री स्पेसीज that are eatable for elephants and other herbivores, है ना? This year forest department ने एक 8 member की team बनाई थी जिन्होंने एक report submit किया था
जिसमें कि 29 नेटिव ग्रासेस की स्पेसीज एंड 14 फॉर्डर ट्री स्पेसीज इसका इन्वेंशन हुआ है, इसे आइडेंटिफाई किया है, जो कि एलिफेंट के लिए या फिर अदर हॉर्बीवोरस जो होते हैं उनके लिए ये ईटेबल है। ओके, टीम ने ये एक नर्सरी भी ग्रो की है जिसमें ये स्पेसीज जो है उन्हें ग्रो किया जाएगा, उन्हें बढ़ाया जाएगा। बिफोर एंडिंग द सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू। इफ यू वॉन्ट टू क्रैक द एग्जामिनेशन, वेदर इट इज नेट और सेट, ज्वाइन अवर कोर्सेस एंड क्रैक द एग्जामिनेशन इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग यू वेरी रिलीवेंट मॉक टेस्ट नोट्स एंड एज वेल एज वीडियो लेक्चर्स। ओके, इन जस्ट ₹999। इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कोर्सेस, डाउनलोड ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन और यू कैन कॉन्टैक्ट द ऑन दिस नंबर विच इज गिवन बिलो। ओके, हरी अप एंड ज्वाइन द कोर्स एंड क्रैक योर एग्जामिनेशन इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट।